झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम कक्षा 12वीं के लिए सीबीएसई के कोर्स में जो पाठ्यपुस्तक है अंतरा, उससे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित 12मासा कविता के प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी के 12मासा कविता के प्रश्नोत्तर। प्रश्न पहला है, अगहन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर है कि अगहन महीने में दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती हैं। नागमती के लिए यह बदलाव बहुत तकलीफदेह है, क्योंकि दिन तो किसी तरह व्यतीत हो जाता है परंतु रात का एकांत काटे नहीं कटता। उन्हें लगता है कि पति से वियोग ही एक लंबी रात में बदल गया है। वे वियोग में इस तरह जल रही हैं जैसे दिए की बाती जला करती है। इस समय अत्यंत शीत का भी अनुभव होता है। शरीर का कंपन तभी जा सकता है जब प्रिय साथ हो। सभी घरों में स्त्रियां अपने पतियों के होने के कारण रंग बिरंगे वस्त्रों में सज रही हैं, परंतु नागमती का तो रंग रूप ही उनके पति के साथ जा चुका है। और अब प्रश्न दूसरा, जियत खाए मुए नहीं छाणा पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर है कि नागमती को पति वियोग बाज पक्षी की तरह प्रतीत होता है। वह जीवित अवस्था में भी शरीर को नोचकर खाता है और मरने पर भी खाना नहीं छोड़ता। यही दशा विरह ने नागमती की कर दी है। इस तरह नागमती पति वियोग में निरंतर जल रही है और निरंतर मृत्यु के निकट भी पहुंच रही है। प्रश्न तीसरा, माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है? तो इसका उत्तर है कि माघ के महीने में पाला पड़ने लगता है, पाला यानी कोहरा। नागमती के लिए वियोग का यह समय मौत का समय बन गया है। शरीर को ढांकने पर भी हृदय और भी ज्यादा कांपने लगता है। उनकी आंखों से सदैव जल बहता रहता है। पति के बिना शरीर में दुर्बलता आ गई है। आंखों से उसी तरह पानी गिरता है जैसे ओले पड़ते हों। वियोग तेज पवन बनकर झकझोर रहा है। श्रृंगार करने और रेशमी कपड़े पहनने का चाव नागमती में नहीं रह गया है। और अब प्रश्न चौथा, वृक्षों से पत्तियां तथा वनों में ढाकें किस माह में गिरते हैं, इससे विरहिणी का क्या संबंध है? तो उत्तर है कि वृक्षों से पत्तियां तथा जंगलों में ढाकें फागुन माह में गिरा करती हैं। गिरती हुई पत्तियां नागमती को अपनी टूटती हुई आशा के समान प्रतीत होती हैं। पत्तों का पीला रंग उसके शरीर की दशा का भी प्रतीक है। फागुन के समाप्त होते होते वृक्षों में नई कोंपलें तथा फूल आकर पुनः पेड़ को हरा भरा बना देगी। परंतु नागमती के जीवन में सुख का पुनः आगमन कब होगा, इसका कोई पता नहीं है। प्रश्न पांचवा, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। प्रिय सो कहो संदेशड़ा ए भंवरा ए काग सो धनी बिरह जय मुरी तही धुआं हम लाग। इसकी व्याख्या यह है कि अरे ओ भौरे और ओ कागा, तुम लोग मेरे प्रिय से जाकर यह संदेश दे देना कि उनकी पत्नी वियोग में जलकर मर रही है और उस वियोग की अग्नि से उत्पन्न होने वाले धुएं के कारण ही हमारा रंग काला पड़ गया है। यहां पर कवि ने प्रकृति के माध्यम से नागमती के विरह की तीव्रता को प्रस्तुत किया है। अब खा है रकत धरा मांसु गरा
हाड़ भय सब संक, छिन सारस होई रर मुई आई समेटहु पंख। तो इसकी व्याख्या इस तरह होगी कि खून आंसू बनकर बह गया, मांस गल गया, हड्डियां जर्जर हो गईं और यह स्त्री सारस की भांति रट रट कर मर रही है। अप्रिय के हाथ केवल पंख ही लगेंगे, शरीर तो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। गाहे तुम बिनु कंता धन हरई, तन तिरुवर भा डोल, तेहि पर बिरह जराई के चहे उड़ावा झोल। इसकी व्याख्या इस तरह होगी, तुम्हारे बिना इस स्त्री का हृदय कांप रहा है, शरीर तिनके की तरह डोल रहा है और वियोग जलाकर शरीर को राख बनाकर उड़ा देना चाहता है। अब धा, यह तन जारों छार के कहो कि पवन उड़ाए, मकु तही मारग होई परों कंत धने जह पाओ। इसकी व्याख्या यह है कि नागमती कहती हैं कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर राख बना देना चाहती हूं, फिर पवन से कहूंगी कि तुम मेरी इस राख को उड़ाकर उस जगह ले जाओ जहां पर मेरे पति रत्नसेन अपने पैर रखते हों, उनके पैरों के नीचे मेरी इस राख को बिछा दो। अब प्रश्न छठवां है, प्रथम जो छंदों में से अलंकार छांट कर लिखिए और उनसे उत्पन्न काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है, पहले पद के अलंकार पहले हम छांटते हैं। पहला, अब यह विरह भार राती, विरह को रात बना दिया गया है तो रूपक अलंकार, इससे कविता में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। दूसरा है, जरों विरह जस दीपक बाती, जस यानी जैसे, तो तुलना हो रही है इसलिए उपमा अलंकार। यहां पर विरह का स्वरूप प्रकट हुआ है। तीसरा, यह दुख दगद न जाने कंतु जोबन जरय करय भस्मंतु, यहां अनुप्रास अलंकार है क्योंकि यहां पर जा वर्ण बार बार आया है। इस प्रयोग से कविता का प्रवाह बढ़ गया है। और अब आप दूसरे पद के अलंकारों को छांटते हैं। इसमें पहला है, जानहु सेज हेमंचल बूढ़ी, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है क्योंकि जहां जानो मानो शब्द आता है वहां उत्प्रेक्षा होता है। इस प्रयोग से कवि अपनी अभिव्यक्ति में पैनापन ला सके हैं। दूसरा है, चकई निस बिछुरे दिन मिले हो दिन रात कोकिला, इसमें दृष्टांत अलंकार है क्योंकि यहां उदाहरण दिया गया है कोयल का और चकवा पक्षी का, इससे अर्थ स्पष्टीकरण में कवि को सहायता मिलती है। तीसरा है, बिरह सचान भगतु तिन जाड़ा, रूपक अलंकार, बिरह की पीड़ा में इससे तीव्रता आ गई है। चौथा, धन सारस होई रर मोई, इसमें उपमा अलंकार है क्योंकि सारस के साथ तुलना की जा रही है। और टिप्पणी यह है कि अर्थ सशक्तिकरण में कवि को सहायता मिली है। पांचवा है, बिरह बाड़ी भा धारण सियु, कापी कापी मरो ले ही हरि जीव, यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। टिप्पणी यह है कि इससे अर्थ स्पष्टीकरण में कवि को सहायता मिली है। और अब सातवां प्रश्न है, पाठ में आए हुए तत्सम और तद्भव शब्दों की सूची तैयार कीजिए। हमने तत्सम और तद्भव शब्दों पर अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, पर यहां उसका संदर्भ आ गया है इसलिए एक बार और हम आपको बताना चाहते हैं कि तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं और तद्भव शब्द किन्हें कहते हैं। तत्सम का अर्थ है उसके समान और तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न होने वाले शब्द। तो संस्कृत भाषा के समान ही जो शब्द अवधी भाषा में प्रयोग किए गए हैं वो तत्सम हुए, परंतु संस्कृत के जिन शब्दों से अवधी में एक नया शब्द बना है वो तद्भव हुआ। तो देखिए, इसमें हम तत्सम शब्दों को छांटते हैं। पहला है अगहन,
ये संस्कृत में भी ऐसे ही आता है और अवधी में हिंदी में भी। देवस दूभर रूप दुख कागा तन दिश पंथ कोकिला माघ काल अंग पवन रोष, ये सब तत्सम है क्योंकि संस्कृत में भी यही रूप प्रयोग में आता है। अब तद्भव संस्कृत से जो अवधि में एक नया रूप बनाते हैं वो शब्द निसी सरोते का सा है, संस्कृत में लिखा जाएगा या हिंदी में तो शंख वाला शाह होगा निश, तो ये उससे बना। रैनी रैन से बना। तो इसी तरह राती दीपक हिया पीयू घर बिछोई अग्नि दगधई कंतु जोबन जन्म धुआं पूस दारुण हिमंचल दिन पंखी रकत सूर भौर फूलू नैन नीरू सिंगार फागुन पात तरिबर बन शाखा वनस्पति मारग, ये सब तद्भव हैं क्योंकि ये संस्कृत भाषा के शब्दों से बने हैं। तो यह था बारहमासा पाठ से मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई इस कविता के प्रश्नोत्तरों वाला एपिसोड। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।